क्या रावण आज भी जिंदा है? आखिर कैसे मिला श्रीलंका में रावण का जिंदा होने का प्रमाण? क्या वैज्ञानिक लोगों ने सचमुच खोज निकाला रावण का शव को? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में रामायण से जुड़े कई सबूतों को पाए जाते हैं जो बीते गए रामायण काल के इतिहास काल के बारे में बताते हैं। इन बातों को तो सभी जानते हैं। जब भगवान राम और लंकापति रावण के बीच में युद्ध हुआ था और तब प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया था और रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण का भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। विभीषण को लंकापति रावण के शव सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं और इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। परंतु हम आपसे कहें, रावण मरा नहीं है, बल्कि रावण आज भी जिंदा है और इसी धरती में मौजूद है। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग यही कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन मानो या ना मानो, रावण आज भी जिंदा है। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं ये खास इन्वेस्टिगेशन। दरअसल श्रीलंका के रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगहें खोज निकाली है जहां पे रामायण की घटी गई घटनाओं का उल्लेख मिलता है। और इसी में एक जगह ऐसी भी है जहां पे रावण का होने का सबूत मिले हैं। रिसर्च के दौरान श्रीलंका के जंगलों में एक विशालकाय पहाड़ी है और जहां पे रावण की गुफा मौजूद है और ये गुफा काफ़ी ऊंची है और कहते हैं यहां पे रावण का शव आज भी सुरक्षित रखा है। और रिसर्च के दौरान भी ये पता चला है, रावण इसी गुफा में आकर भगवान शिव की पूजा पाठ और तपस्या करता था। रेंगला पहाड़ियों पे ये गुफा करीब 8000 फुट के ऊंचाइयों में बनी है और जहाँ पे 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी गई है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों के वजह से इस गुफा में कोई भी आज तक कदम नहीं रख पाया। रावण के मारे जाने पर भगवान राम ने विभीषण को लंका के साथ साथ रावण का शव भी सौंप दिया था। लेकिन विभीषण ने राजपाट चलाने के चक्कर में रावण के शव को बिना अंतिम संस्कार किए छोड़ दिया और इसके बाद राक्षसी कबीले लोग ने रावण के शव को और ये शव को उसी गुफा में ले गए जहाँ पे रावण पूजा पाठ और तपस्या किया करता था। और राक्षसों ने रावण को जिंदा करने के लिए बहुत सी सारे कोशिशें की, परंतु कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली। और आखिर में रावण के शव को उन्होंने मम्मी बनाने का फैसला किया और उन लोगों का उम्मीद था कि ये अवश्य ही एक दिन जिंदा होगा, अभी नहीं परंतु भविष्य में ही सही। और रिसर्च के माने तो रावण की मम्मी को रिंगिला के जंगलों में सुरक्षित रखी गई है। और कुछ लोगों का यह भी मानना है एक दिन रावण का शव फिर से जिंदा हो उठेगा और वो शायद कलयुग का दौर हो। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है और उस ताबूत में एक खास रकम का लेप लगाया गया है और कहते हैं इस लेप के वजह से यह ताबूत आज भी सुरक्षित है। और हो भी क्यों ना, इस ताबूत का लंबाई है 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट। और कुछ लोगों का कहना है इस ताबूत का नीचे रावण का बेशकीमती खजाना छुपा है। हिंदू मान्यता के मुताबिक रावण त्रेता युग में सबसे शक्तिशाली राजा था और उसके अपने ताकत में बहुत ही घमंड था और घमंड के वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण कर लिया था। वह भगवान राम और रावण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ही ताकतवर सेना थी लेकिन अहंकार के वजह से वो मारा गया और इसके प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रावण ने जिस जगह पे माता सीता का हरण करके रखा था और उसके पास एक झरना है और उस चट्टानों पे हनुमान जी के पैरों का निशान मिलते हैं। और आपने कई सारी वीडियोस में भी देखा होगा, श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है और जिसका नाम है रावणास केव और इसको रावण एला से भी जानते हैं क्योंकि ये गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है और जहाँ पे रावण ने कुछ साल बिताए थे। और ये जगह समुन्द्र स्थल से 4400 फीट की ऊंचाइयों में है और यहाँ पे पहुँचने में एक दिन का समय लगता है और गुफा में पहुँचने का रास्ता बहुत ही कठिन है और यहाँ की सीढ़ियाँ अब काफ़ी टूट चुकी है। रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था, ये तो हम सभी जानते हैं और ये भी यहाँ से काफ़ी सामने है। और गुफा में पहुँचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक है और घने जंगल होने के वजह से यहाँ पे जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता है। और रावणास केव के पास ही एक झरना है और जिसे रावणास फॉल के नाम से जाना जाता है।
और श्रीलंका में रावणास गोट की नाम की एक जगह भी है और जहाँ पे कई गुफाएं और सुरंगें कहती है और यह सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती है और लोगों का मानना है कई सुरंगें साउथ अफ्रीका के पास भी जाती है और जिसमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया है और कई लोग कहते हैं ये गुफाएं सीधा होंडरस भी जाती है जहाँ पे पाताल का राजा अहिरावण का वास था। रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय बना है और इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे के अनुसार और शायद लगता है रावण की शरीर आज भी जिंदा रखा है और ऐसा शायद हो भी सकता है क्योंकि रावण कलयुग में कली पुरुष के द्वारा जिंदा हो जाए और उस समय कल्कि अवतार जो कि भगवान विष्णु के अवतार होंगे और क्या उनके सामने ये चुनौती होगी वो कली पुरुष के साथ साथ रावण से भी युद्ध करेंगे। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है और इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। और कहते हैं ना ये जीवन चक्र पूरा इन्फिनिटी की तरह है और वो जहाँ से शुरू होता है और वहीं से ख़त्म होता है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए और आने वाली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम।